ट्रक 24 मीटर लॉन्ग, अभी मूविंग ऑन ए रोड एट 20 मीटर पर सेकेंड, स्टार्ट सीजिंग 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एन ए ट्रैक पैरेलल टू रोड एट 72 किलोमीटर पर आवर। इफ द ट्रक इज 200 मीटर बिहाइंड एंड स्टार्ट एक्सेलरेटिंग 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन द टाइम टेकन बाय द ट्रक टू ओवरटेक द ट्रेन इज। ये आपका ट्रेन है वो, तो कितना लेंथ है इसका? 100 मीटर। इसके पीछे एक ट्रक है, ट्वेंटी फोर मीटर इसका लेंथ है, एंड ये जो लेंथ है 200 मीटर। इसका स्पीड दिया 72 किलोमीटर पर आवर, तो 20 मीटर पर सेकेंड। इसका भी स्पीड दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो गया। तो अगर दोनों ऐसे जाएंगे तो वही डिस्टेंस ऑलवेज मेंटेन होकर रहेगा, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि ट्रक स्टार्ट्स एक्सीलरेटिंग एट 0.5 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स इनका इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी हो गया जीरो। रिलेटिव एक्सेलरेशन ट्रॉक का मैं लिख रहा हूँ, ट्रॉक विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो क्रॉस करेगा, मतलब जब रिलेटिव हम लिखते कैसे सोचेंगे कि ट्रेन लेट रुका हुआ है, ये जा रहा है, इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गया ट्रॉक का। तो ट्रेन को क्रॉस करने का मतलब है पहले ट्रॉक तो यहां तक कैसे पहुंचेगा, दैट मीन्स 200 मीटर ट्रैवल करेगा, फिर अपना लेंथ 24 मीटर है, जो क्रॉस करेगा कैसे करेगा, ट्रेन अपना रुका हुआ है, मान लो ये ट्रेन रुका हुआ है ऐसे, मतलब यहाँ तक उसका 200 हो गया मीटर कवर ट्रॉक का, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा लेंथ, ट्रॉक का लेंथ 24 मीटर, ट्रेन का लेंथ 100 मीटर। तो टोटल जो रिलेटिव डिस्टेंस उसको कवर करना है वो हो गया कितना, 200 प्लस 100 प्लस 24, 324 मीटर, ठीक है। तो भी लिख सकते हैं एस रिलेटिव यू रिलेटिव इनटू टी हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर, ये तो जीरो है, तो 324 हाफ इंटू 0.5 1/2 लिखता हूँ टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 324 इंटू 2 × 2 = 4, तो टी इसका स्क्वायर रूट 36 सेकेंड, ठीक है।